तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सही पीछे का कर रहे थे हम रिवाइज। M1D पढ़ा था। M1D के बाद में पूरा M1D पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा M2D। M2D में क्या क्या पढ़ा? M2D में सबसे पहले पढ़ा हमने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ये दिख रहा है आपको, यस सर। जैसे अगर मैं यहां से ऑब्जेक्ट इस यानी कि हॉरिजॉन्टल है, इस यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंकू ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल पे ही जाके गिरे, यहां से कुछ फेंका मैंने हॉरिजॉन्टल पे ही जाके गिरा, तो एक तो वो पढ़ा था हमने प्रोजेक्टाइल कि इस पाथ के बारे में पढ़ा, जो पैराबोलिक पाथ जो फॉलो कर रहा था, ये कैसे फॉलो कर रहा है, कैसे इक्वेशन बनती है, कैसे हम किस टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकालें, किस टाइम पे कितने एंगल से वेलोसिटी, वो सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये हाइट है, इस हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, मान लो ये पेन है, मैंने इस पेन को ऐसे फेंका, तो ये पेन ऐसे आया था, ऐसे आया था कि नहीं आया था, ये पेन यस ऐसे सर। आया था। तो अब इसके बारे में पढ़ा हमने कि प्रोजेक्टाइल, इसको हम बोलते हैं जनरल प्रोजेक्टाइल या फिर जनरल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल का इस ऊपर बिल्डिंग से जब गिराया था तो ऐसे कैसे गिरा था, कितना रेंज हुआ था उसका, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ था, कैसे कैसे वो सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल, जैसे कि ये ले लूं मैं, ये आपको दिख रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर मैं ऑब्जेक्ट को फेंकूं इस कॉर्नर पे जाके, एक तो था उसमें भी दो केस थे, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। अभी हमने जैसे फर्स्ट केस लिया था बॉटम टू टॉप, जैसे बॉटम मतलब यहाँ से फेंक रहा हूं मैं और यहाँ पे जाके गिर रहा है, बॉटम से पकड़ रहा हूँ कोई बॉल फेंकी मैंने, यहीं पे मैं भी खड़ा हूँ, यहाँ से मैंने बॉल को फेंका और यहाँ पे जाके गिर रहा है, और टॉप टू बॉटम में क्या था, यहाँ से बॉल फेंक रहा हूँ वो यहाँ पे जाके गिर रहा है। हमने इस केस में क्या किया था, जब हम जनरल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया था, उस टाइम पे हमने क्या लिया था, ऐसे करके लिया था, देखो ऐसे ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस था और ये वाला एक्सिस क्या था, ये जो हॉरिजॉन्टल ये वाला दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस था, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल ऐसे लिया था। ये क्या था, हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में किया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी ये किया था हमने। और जब हमने इंक्लाइंड प्लेन वाले में गए, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में गए, इंक्लाइंड प्लेन पे जो प्रोजेक्टाइल था, तो जैसे ही इन पर गए तो हमने इस एक्सिस को जो इंक्लाइंड प्लेन था हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, तो एक्स का तो वही रहा, एक्स एक्स ही रहा और वाई वाई ही रहा, लेकिन थोड़ा सा रोटेट कर दिया। कितना रोटेट किया हमने उस एक्सिस को, हमने उस एक्सिस को उतना रोटेट किया था जितना कि हमारा इंक्लाइंड प्लेन था, मान लो ये वाला इंक्लाइंड प्लेन था, ये वाला इतना इंक्लाइंड प्लेन था, तो हमने इसी एक्सिस में, जैसे मुझे ये रखना पड़ेगा तभी उड़ान पाऊंगा, इसी एक्सिस में, तो हमारा एक्स एक्सिस तो ये वाला था और वाई एक्सिस ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एक्सिस था। तो अब हम उसके बाद हमने क्या किया था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसमें चेंज किया हुआ था भाई, जब हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था उस टाइम पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस के जी लगता था और हॉरिजॉन्टल में आपका जीरो एक्सेलरेशन लगता था। इसी वजह से अब आप जब इंक्लाइंड प्लेन में आए, इंक्लाइंड प्लेन में क्या हुआ था, जैसे कि आपका इंक्लाइंड प्लेन था तो जी आपका ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ऐसे करके जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई एक्स की डायरेक्शन में। अब जब ये प्लेन था तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था ये वर्टिकल एक्सिस से वही एंगल बना रहा था जो आपका इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा था, मान लो ये अल्फा एंगल बना रहा था, तो हमारा एक एक तो कंपोनेंट हुआ था वाई डायरेक्शन में माइनस के जी कॉस अल्फा और एक्स एक्सिस में हुआ था माइनस के जी साइन अल्फा, माइनस एक्स एक्सिस में माइनस के जी साइन अल्फा कब हुआ था, जब हमारा बॉटम टू टॉप था, अगर टॉप टू बॉटम था वो माइनस के जी साइन अल्फा को प्लस जी साइन अल्फा हुआ था, क्योंकि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन थी वो प्लस एक्स डायरेक्शन थी, क्योंकि वहां पे जब टॉप टू बॉटम कर रहे थे तो हमने एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ माना, वाई एक्सिस को ऐसे उसके परपेंडिकुलर माना था, तो इसी डायरेक्शन में बॉल आ रही थी इसीलिए वो एक्स एक्सिस में था। द स्क्रीन नहीं, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ना कि अभी अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपको, पिछला वाला चैप्टर बता रहा हूँ, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम और रिवर मैन प्रॉब्लम, M2D का ही एक छोटा सा पार्ट और है उसको हम पढ़ेंगे। मैं आपको अभी तक का रिव्यू दे रहा था कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने अभी आपको इतना बताया कि M2D में हमने इतना पढ़ा जितना मैंने आपको 2, 3 या 4 मिनट में एक्सप्लेन किया, इतना पढ़ लिया ना, इतना तो हमने। यस यस सर। यस सर। यस सर।
इसके नोट्स भी आपको मिल चुके हैं, इसके असाइनमेंट भी आपको मिल चुके हैं, दोनों चीजें आपको मिल चुकी हैं। असाइनमेंट आप करो, असाइनमेंट किया किसी ने? सर हाफ, सर हाफ हो गया, यीशु ने एटलीस्ट हाफ किया है, बाकी किसी ने ट्राई भी नहीं किया। किया किसी ने ट्राई? यस सर, यस सर, शाहिल ने किया है, अभिषेक ने भी शायद ट्राई किया है, शिवम यस सर नहीं किया ट्राई? आप गुस्से में बोल रहे हो, आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि यस सर ट्राई तो नहीं किया है, बट बोल ही देता हूँ। नेहा सर करना जरा भी ट्राई। नेहा सर जी आज कर दूंगी मैं सर, आज आज आज। अच्छा ओके। प्रेरणा कहाँ है? प्रेरणा है ही नहीं क्या? आज आई नहीं क्या क्लास में? गई गई, कोई नहीं। अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? रेनमैन प्रॉब्लम। पहले रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिवरमैन प्रॉब्लम। अब आप एक बात बताओ कि जब हम बारिश में जा रहे होते हैं कहीं पे भी, तो हमें छाता बारिश के जस्ट अपोजिट पकड़ना होता है या बारिश की डायरेक्शन पकड़ना होता है? फॉर एग्जाम्पल सर अपोजिट सर, मान लो ये छाता है ऊपर, ये उसका स्टैंड है, ये उसका स्टैंड है। बारिश अगर ऊपर से आ रही है, ये छाता है और ये उसका स्टैंड है, इसको हाथ से पकड़ा हूँ, बारिश अगर ऊपर से आ रही तो मैं इसको ऐसे ही पकड़ता हूँ ना? यस सर, क्योंकि बारिश अगर ऊपर से आ रही तो उसके जस्ट अपोजिट पकड़ रहा हूँ कि नहीं, जस्ट अपोजिट उसके। यस सर। अब देखो बारिश अगर ऐसे आ रही है सामने से, मतलब हवा के साथ में तेजी से ऐसे बहके आ रही है बारिश, ऐसे फ्लो करके आ रही है, किसी एंगल पे आ रही है वर्टिकल में, तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, क्योंकि क्योंकि मुझे बारिश से अगर बचना है ना, तो जो बारिश की डायरेक्शन है उसके अपोजिट मुझे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कुछ जादू दिखाने के लिए। स्क्रीन शो हो रही है आपको? नो सर। सर होगी सर, है बस, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंसेप्ट अलग था, इसे अलग पढ़ाया जा रहा है। अब देखो इधर वारिस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। यस सर। इसने छाते को कैसे पकड़ा है? ऊपर की तरफ, तभी बच सकती है। यस सर। अब जैसे इधर देखो, इधर देखो एयर जो रेन है वो ऐसे आ रही कि नहीं आ रही है रेन? यस सर। छाते को देखो, जस्ट इसके अपोजिट पकड़ा हुआ है, एटलीस्ट इतना तो, इतना इतना बॉडी तो बच पा रहा है, इतना इतना बॉडी बच पा रहा है कि नहीं? वो देखो यस सर, बॉडी का इतना पार्ट बच पा रहा है, एटलीस्ट पैर तो नहीं, पैर तो भीग रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके अपोजिट रखोगे या किसी और एंगल पर रखोगे तो इससे ज्यादा नहीं बचा सकते बॉडी को। ये दोनों दिख रहे हैं। अब देखो तीसरे वाले, ये अंकल आंटी जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं कंसेप्ट के बारे में। अब देखो एयर के जैसे ही रेन आ रही है, देखो आप देखोगे इनके ऊपर होके भी रेन निकल रही है, ये नाम के लिए छाता पकड़े, क्या बच पा रहे हैं क्या ये रेन से? देखो रेन ऐसे फ्लो कर रही है, रेन ऐसे फ्लो कर रही है और ये छाते को ऊपर पकड़े हुए, ऊपर की तरफ पकड़े हुए, तो ये कितना भी कुछ भी कर ले ये भीगेंगे ही, ये सारे के सारे भीग जाएंगे, पूरे भीग जाएंगे। अब इनको कंफ्यूजन दिमाग में ये रहेगा, हम तो छाता लेके गए थे फिर भी भींग गए, क्यों भींग रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो अगर हम कार ए की वेलोसिटी देखेंगे बी के रेस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आएगा वी ए माइनस वी बी। अगर हम बी की वेलोसिटी देखेंगे ए के रेस्पेक्ट में, कार ए वी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में देखें, वी बी माइनस वी ए। अब ये क्या है वी ए माइनस के वी बी? देखो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए। देखो हम सारी चीजों को ना ग्राउंड फ्रेम में करेंगे, जी फ्रेम, सारी चीजों को जी फ्रेम में करेंगे, हम सबको ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे, हम ग्राउंड को रेस्ट पे मानेंगे, बाकी सबको मोशन में मानेंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो VA क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर मैं इसको लिख दूं VAG लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली VB क्या है,
वी बी वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी ए लिखी हो या वी बी लिखी हो, देखो इसको वी बी भी लिख देते हैं, कभी वी बी जी भी लिख देते हैं, क्लियर है? अब इसके इसके बाद हम देखते हैं मेन कंसेप्ट पे, अब आते हैं। सर एक मिनट पीछे करना, बताओ कंफ्यूजन कोई? ओके सर। अब देखो अभी हम अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। देखो आपको इतना याद होगा कि हम एक्स एक्सिस में जो लेते हैं वो आई कैप होता है और वाई एक्सिस में जो लेते हैं वो जे कैप होता है कि नहीं? यस सर। अब देखो अगर ये रेन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है, मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, वी है इसकी वेलोसिटी, क्या मैं इस वी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को माइनस के वी जे कैप लिख सकता हूं? माइनस क्यों लिख रहा हूं? यस सर। अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव जे है तो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव जे होगी? यस सर। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव आई है तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव का आई होगा? यस सर। तो क्या मैं वी आर जी को माइनस के वी जे कैप लिख सकता हूं? सबको कंफ्यूजन क्लियर हुई या फिर कंफ्यूज हो आप अभी? ये समझ में माइनस के वी जे कैप क्यों लिखा? अब देखो ये जो पर्सन है ना वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो होगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। अब देखो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन निकालूंगा तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस के वेलोसिटी ऑफ मैन, यही होगा? यस सर। अब हमें क्या था, अभी हमने देखा कि हम सबको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ले रहे थे, क्या मैं इसको भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लूंगा और इसको भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लूंगा? यस सर। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, ये कहां से आया ये फॉर्मूला जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वी आर जी माइनस के वी एम जी। अब देखो वी आर जी क्या दिया हुआ है, माइनस के वी जे कैप, माइनस के वी जे कैप, और वी एम जी क्या है, जीरो है, तो आपके डायरेक्शन क्या आ गई, माइनस के वी जे कैप। अब देखो इसने क्या बोला है, आपकी जो रेन की डायरेक्शन है वो माइनस के वी जे कैप पे है, तो मैं छाता किधर रखूंगा, प्लस के वी जे कैप, प्लस के सर, प्लस प्लस के, प्लस के जे कैप, वी वी मतलब वेलोसिटी है, वी से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन से मतलब है, तो प्लस के जे कैप। अब देखो इसको अगर देखोगे तो ऊपर की डायरेक्शन में रखा है कि नहीं छाता इसने? यस सर। तो क्या ये प्लस के जे कैप है कि नहीं? Yes, sir. तो हम यहाँ so, से रिलेटिव वेलोसिटी क्यों निकालते हैं, क्योंकि जिससे हम जो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल सके, अगर हमें उसकी डायरेक्शन पता चलेगी तो जस्ट उसके अपोजिट हम ऐसे करके छाता लगा लेंगे, अपना अम्ब्रेला हम उसके अपोजिट में लगा लेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब देखो अब नेक्स्ट में क्या जाएंगे, नेक्स्ट में देखो अब मैन इज रनिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड यू। अब देखो रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या मैं इसको माइनस के, मान लो ये वी वेलोसिटी से गिर रही है, माइनस के वी जे कैप लिख दूं इसको? रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन गिर रही है तो माइनस के वी जे कैप। अब देखो ये मैन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। आप देखोगे जब आप तेजी से भागते हो कुछ, जब आप तेजी से भागते हो तो आपके पीठ के पीछे कुछ सूखा एरिया रहता है, आगे ज्यादा भींगते हो पीछे कम भींगते हो। Yes, sir. आपको आप जब भाग रहे होते ना वेलोसिटी भले ही रेन ऐसे गिर रही है तो आपको किसी न किसी एंगल पर टकराते हो, किसी न किसी एंगल पर टकराते हो रेन से, तो क्या मैं इस मान लो ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या मैं इसको ये लिख दूं कि u i कैप? यस सर। यस सर। पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो i कैप प्लस के u i कैप हो गया। तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, माइनस के वी जे कैप, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया, प्लस के यू आई कैप। हुआ कि नहीं? यस सर। अब क्या हुआ? यस सर। अब हमें जो फॉर्मूला था वी आर एन का, जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है विद रेस्पेक्ट टू माइनस के वी जे कैप है,
यस सर। वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? यू आई मतलब प्लस के यू आई कैप, ये रख दिया। अब आपका ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? वेलोसिटी ऑफ मैन वो रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन आ गई। अब हमें क्या पूछी? अगर मान लो डायरेक्शन पूछी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मान लो टेन थीटा है, हमें निकालनी है वर्टिकल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस से निकालनी है तो क्या करेंगे? वी एम वी आर एम का क्या एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट करेंगे, टेन थीटा के इक्वल रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगी? हमारा जो छाता पकड़ना है, जिस एंगल से हमें छाता पकड़ना है, वो एक्सिस वो एंगल वर्टिकल से आ जाएगा। तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो, वी आर एम का मैग्नीट्यूड कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है? अंडर रूट में माइनस के वी का स्क्वायर प्लस माइनस के यू का स्क्वायर अंडर रूट में। क्लियर है? यस सर। समझ में तो आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है ये? yes, डायरेक्ट निकालना समझ में आ रहा है ना? समराइज करवाना सर। क्या, कौन सा सर? समराइज सर, सर ऊपर ऊपर। हाँ एक बार और बता देता हूँ, ये यहाँ तक समझ में आया? इक्वेशन कैसे आई? यस सर। ये इक्वेशन आ गई थी, उसके बाद में टेन का जो फॉर्मूला निकालते हैं, जैसे हमें जो छाता पकड़ना है ना, किस एंगल पे छाता पकड़ना है? अरे हम रेन की डायरेक्शन, एक्चुअली हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, इससे निकालते हैं रेन की डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन से रेन गिर रही है, किस एंगल से हमारे हमको आगे जब हम भागेंगे ऐसे करके दौड़ रहे होंगे तो हमारे चेहरे पे किस एंगल से रेन गिरेगी, अगर हम उसकी उसका एंगल निकाल लें तो उसके अपोजिट हम अम्ब्रेला पकड़ लेंगे अपना। Yes, sir. Yes, sir. तो हम रेन का एंगल निकालते हैं वर्टिकल से। रेन का एंगल वर्टिकल से निकालने के लिए क्या होता है, जो आपका आई का जो कोफिशियंट है, आई का कोफिशियंट क्या है? माइनस के यू। तो टेन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा? टेन थीटा क्या आ जाएगा? माइनस के यू अपॉन माइनस के वी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका क्या आया? यू अपॉन वी। तो जो एक्स का कंपोनेंट है उसमें डिवाइड कर देंगे वाई के कंपोनेंट से तो आपका एंगल आ जाएगा किससे? वर्टिकल एक्सिस से। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे 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 आप जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे, जितना ज्यादा तेज दौड़ोगे उतना ही आपका एंगल जो है वो ज्यादा लगेगा। आप देखो, जब आप रेस्ट पे थे, जब आप रेस्ट पे थे उस टाइम पे आपने छाता ऊपर रखा था सीधा, जब रेन आपकी सिंपल गिर रही है वर्टिकली, रेन किसी भी एंगल पर नहीं गिर रही, रेन सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, कोई हवा नहीं चल रही है तेज, तो रेन आपकी सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। जब आप रेस्ट पे हो तो आप छाता सीधा ऊपर पकड़ोगे, सीधा ऊपर। यस सर। जब आप दौड़ोगे जितना स्लो दौड़ोगे, मान लो धीमे धीमे दौड़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाओगे छाते को, थोड़ा सा झुकाओगे। yes, sir. और मान लो आप बाइक पे बैठ के जा रहे हो और बाइक पे पीछे को पीछे किसी ने बोला भाई ऐसे छाते को लगा कि जिससे मेरे मेरे ऊपर जो वारिस है वो कम से कम आए, तो छाते को आप आगे की तरफ ज्यादा झुकाओगे कि नहीं झुकाओगे? जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ाओगे, वेलोसिटी आप अपनी अपनी वेलोसिटी यानी कि मेन की वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, क्या हमारा थीटा जो एंगल है वो भी बढ़ रहा है? देखो इधर देखो, यहाँ पे यहाँ वर्टिकल से एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी जीरो था तो आपका एंगल भी जीरो है, ये भी 90 डिग्री पे है ना। अब देखो, जैसे ही वेलोसिटी अगर यू हो गई तो आपका थीटा वन एंगल हो गया। अब जैसे ही आपकी आपकी वेलोसिटी मान लो टू यू हो गई, आप और तेज स्पीड से दौड़ने लगे तो आपका एंगल बढ़ गया। आप यहाँ पे देखोगे थीटा वन और थीटा टू में आपका थीटा वन इज लेस देन थीटा टू है, अगर आप देखो। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ इस स्टेटमेंट से भी देख सकते हो, द ऑरिएंटेशन ऑफ द अम्ब्रेला इज ऑलवेज अगेंस्ट वीसीएम VRM, sorry, VRM. VRM का मतलब क्या है? Velocity of rain with respect to man in order to avoid getting drenched. Getting drenched, मतलब भींगना,
भींगने से बचने के लिए आपको हमेशा छाते को जो वी आर एम की डायरेक्शन है उसके अपोजिट पकड़ना होगा। ये हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, इस टॉपिक जब आपके साथ स्क्रीन शेयर की थी उससे पहले से आपको समझाया था कि हम छाते को अपोजिट पकड़ते हैं। समझ में आया? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन करके बताओ जरा मुझे, फिर 2 मिनट हैं आपके पास, चलो 3 मिनट दिए आपको, फास्ट करो इस क्वेश्चन को। सर पीछे करने के मिनट यस सर। सर निकालो सर क्वेश्चन सर। आराम से वही तीनों स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट आप रेन को लिखो आईजे की फॉर्म में, उस पर्सन की स्पीड को लिखो आईजे की फॉर्म में, फिर सिंपली टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। टेन थीटा इक्वल टू आई का जो कोफिशियंट है वो अपॉन जे का जो कोफिशियंट है वो, तो आपका टेन थीटा आ जाएगा सिंपल। सर 3/4 आया सर, 3/4। ओके, कितने लोगों का आया 3/4? आयुष, दिमन, अभिषेक, 3 लोगों का आया है बस। शाहिल सबसे पहले आयुष का आया था। अच्छा यीशु का भी आ गया है, यीशु का भी आ गया है। काफी लोगों का आ गया। अब तो आदित्य, निखिल, यीशु, शिवम, मोहित। ओके देन करते हैं इसको। अभी देखो क्या बोला है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रेन अगर वर्टिकली, अब रेन तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही गिरती है ना हमेशा, कि वर्टिकली ऐसा तो नहीं हिमाचल में ऊपर की तरफ रेन होती हो, वर्टिकली डाउनवर्ड वो मतलब डाउनवर्ड गिरेगी, एंगल कुछ भी हो सकता है, हवा तेज चल रही तो किसी और एंगल से गिर सकती है। आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो कभी कभी तो आपके घर के आगे थोड़ा सा सूखा ज्यादा रहता है, कभी कभी आपके घर की दीवार पे भी पानी आ जाता है, आता है कि नहीं? अच्छा जो आपकी जो रेन गिरती है वो किसी एंगल पे भी गिर सकती है, लेकिन इस वाले में वर्टिकली दिया हुआ है, हमेशा वर्टिकली नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा वर्टिकली नहीं होता। तो इस वाले में वर्टिकली डाउनवर्ड दिया है, क्या मैं यहां से वी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को -8 जे कैप मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ? सबको क्लियर है ये? अब देखो एंड अ मैन मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, मान लो 6 मीटर पर सेकेंड से वो प्लस एक्स एक्सिस में ही चल रहा है, तो क्या मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को प्लस के 6 i कैप लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड में? यस सर। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला क्या था वी आर एम का, फॉर्मूला क्या था? वी आर माइनस के वी एम, अब दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, यही था ना? हाँ? Yes, अब हमें इसमें क्या करना है,
वी आर एम आर जी, आर जी क्या है, आर जी आपका माइनस के एट है, माइनस के एट जे कैप माइनस प्लस के बी एम जी क्या है, प्लस के सिक्स आई कैप, प्लस के सिक्स आई कैप। अब हमें थीटा टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा इक्वल टू क्या पूछा है, उसने पूछा है कि छाते को किस एंगल पे होल्ड किया जाए जिससे कि वो सूखा रहे। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, क्या बताया था मैंने, वी आर एम का एक्स कंपोनेंट अपॉन वी आर एम का वाई कंपोनेंट होगा क्या नहीं। अब टेन थीटा एक्स मतलब आई का जो कोफिशियंट है माइनस के सिक्स और वाई का मतलब माइनस के एट, तो क्या आया माइनस के थ्री बाई फोर आया। यस सर, आपको अगर सिंपल थ्री बाई फोर सॉरी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब देखो आपको टेन थीटा इक्वल टू आया आपका थ्री बाई फोर। आपको मैजिक ट्रायंगल अगर याद हो तो, यस सर मैजिक ट्रायंगल अगर आपको याद हो, ये एंगल अगर 37 है तो ये क्या होगा सर, 53 सर, 53 ये एंगल तो 53 है, ये साइड क्या होगी 3 सर, 3 साइड 4 सर, ऊपर वाली 5 होगी, ये 5 होगी, तो 10 37 की वैल्यू क्या होगी, देखो यार 10 37 की 3/4 होगी, तो ये किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, थीटा इक्वल टू 37 की वैल्यू है कि नहीं, ये यहाँ से थीटा इक्वल 37 आ जाएगा। हाँ, तो आपको मैजिक ट्रायंगल एक तो याद होना चाहिए था, क्या मैजिक ट्रायंगल, ये बहुत जरूरी है, मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था मैजिक ट्रायंगल बहुत जरूरी है। अब देखो जब 37 डिग्री आ गया तो हमें क्या करना है, 37 डिग्री आपकी डायरेक्शन आई है किसकी, रेन की, रेन की डायरेक्शन 37 डिग्री है, तो आपको जस्ट उसके अपोजिट पकड़ना होगा कि नहीं पकड़ना होगा, जस्ट उसके अपोजिट। देखो देखो अगर आपका ये एंगल 37 डिग्री आया है तो आपको सेम 37 डिग्री एंगल से छाते को ऐसे पकड़ना हो, समझ में आ रही मेरी बात, यस सर, हाँ क्लियर है, यस सर, यस सर, यस सर, ओके देन फिर इस क्वेश्चन को और करो, इसके लिए भी आपको 3 मिनट दी मैंने, चलो ट्राई करो जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी ही पूछी है और कुछ पूछा ही नहीं है, पर रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है इसमें सर। आ गया क्या आया, आ गया सर, क्या आया है सर, सी 109 किलोमीटर आवर सर, सी आया 109 किलोमीटर आवर सर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, एक्चुअली में इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये अंडर रूट होना चाहिए था, यस सर, सर मेरा है रोड विद अ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मेन वॉक कर रहा है, आप ये याद रखो कि जो अगर डायरेक्शन नहीं दी है कुछ भी, तो जो मेन की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेना है, तो क्या यहाँ पे दी हुई है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 3 i कैप इन किलोमीटर पर आवर, यह हुआ है, यस, सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, द वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर इसने ये अगर नहीं बताता, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं भी बताता, तो भी हमें पता था कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रेन गिरती है, इसने वर्टिकली बता दिया, इसने वर्टिकली बोला है, तो हम क्या करेंगे, वी रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वर्टिकली तो जे कैप होता है ना, अरे वर्टिकल मतलब जे कैप, यानी कि ये क्या दिया होगा, माइनस के 10 जे कैप किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है सबको, यस सर,
अब हमें पूछा क्या है उसने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होता है कि नहीं? यस सर। अब देखो रेन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है, माइनस के 10 जे कैप है, यस सर। और ये क्या है, 3 कैप, 3 आई कैप, माइनस के। अब देखो मैग्नीट्यूड वी आर एम का मैग्नीट्यूड पूछा उसने, देखो उसमें आई जे के फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, देखो आई जे के फॉर्म में आंसर नहीं है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 का। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 100 प्लस 9 यही आएगा, तो अंडर रूट में 109 इज द करेक्ट आंसर किलोमीटर। आ गया था सबका? Yes, sir. अब आप इस क्वेश्चन को और करो जरा, ये क्वेश्चन और करो, एक मिनट इसको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि साफ कर दूं, जरा साफ कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, और ट्राई करो फास्ट। सर ये 60 डिग्री दिया हुआ है सर। हाँ 60 डिग्री एंगल है ये, अम्ब्रेला एट 60 डिग्री टू वर्टिकल, वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है अम्ब्रेला का 60 डिग्री। क्या आ रहा है आपकी वॉइस बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप जो भी आप बोलना चाह रहे हो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही है। और किसी का आया आंसर सर? हो रहा है सर, करो करो। टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है सर? 18 अंडर रूट 3/3 आ रहा है। अंडर रूट अभी ये तो सॉल्व करके पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता मेरे को, सॉल्व करेंगे अभी सर। 18 अंडर रूट 3 किलोमीटर आवर, 18 अंडर रूट 3 किलोमीटर पर आवर, देखते हैं अभी। मुझे पता नहीं, मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया है, अभी देखूंगा क्या आ रहा है, 18 अंडर रूट 3 आएगा क्या आएगा। हाँ शायद 18 अंडर रूट 3 आएगा गारंटेड। 1060 की वैल्यू 1/√3, हाँ 1060 की। यस सर। नहीं सर, सर अंडर रूट 3 सिंपल, अंडर रूट 3 सर, अंडर रूट 3 होते क्या? यस सर, शायद अंडर रूट 3 होते। ओके 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 ठीक है ठीक है। कितने लोगों का आया ये? सर मेरा आ गया, सर मेरा, सर सर आ गए। ओके ओके चलो करते हैं फिर, काफी लोगों का आ गया है। अब देखो इधर देखो, अरे अ मैन इज इन द टॉपलेस कार विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ 18 किलोमीटर, 18 आई कैप, 18 आई कैप KMPH। अब देखो टॉपलेस कार है, जो एंगल है ना उसका अम्ब्रेला उसने किसने पकड़ा है 60 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू दिया है आपको 60 डिग्री। मान लिया हमने कि रेन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लिया मैंने वी जे कैप, क्या मान लिया, वी
जी के, और डाउनवर्ड होती है तो माइनस के ले लेते हैं उसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन क्या होगा, क्या होगा, माइनस के वी 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 माइनस के वी जे कैप माइनस के 18 होगा, yes, होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, क्लियर है सबको। अब थीटा क्या निकाल, टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा माइनस के वो सॉरी यहाँ पे आई का जो कोफिशियंट है वो क्या है, अरे वी सर माइनस वी आर एम एक्स अपॉन वी आर एम वाई ही तो होता है। अब आपका थीटा दिया हुआ है तो 1060 हो जाएगा, थीटा ये 60 पुट कर दो, 1060 वी आर एम एक्स क्या है माइनस के 18 यस सर, और वी क्या है वो सॉरी वी वाई, वाई क्या है माइनस के वी, यस सर, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या आया वी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 1060, यस सर, 60 की वैल्यू क्या होती है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाई 10, ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको इसमें माइनस क्यों आया है, इसमें माइनस क्यों आया है, देखो इसमें सॉल्यूशन में माइनस इसलिए आया है क्योंकि इसने जो वेलोसिटी मानी थी वो प्लस के वी मानी थी। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसने क्या माना था, हमने क्या किया था, ऑलरेडी माइनस ले लिया था, अरे हमने माइनस ही माना था ना उसकी वेलोसिटी, देखो माइनस ऑलरेडी माना था तो हमारे फाइनल आंसर में माइनस नहीं आएगा, लेकिन इसने माइनस नहीं मांगा था, इस माना था, इसलिए इसके फाइनल आंसर माइनस आया है। माइनस का मतलब सिर्फ ये शो करता है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमने पहले से ही उसको डाउनवर्ड मान लिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं, yes, yes, sir, yes, sir. आंसर पर कोई फाइनल आंसर पर कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि जो 56.25 kmph इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और हमने जो माना था यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी माइनस मान लिया था, माइनस का मतलब ऑलरेडी वो हमने मान लिया था कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन गिरेगी, क्लियर है, यस सर, आगे बढ़ेंगे। अब देखो अब ये एक और कॉन्सेप्ट आता है, अब इसमें क्या है, जब आपकी रेन, अब जब आपकी रेन किसी एंगल पर अगर गिर रही है, मान लो किसी एंगल पर ऐसे 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 करके आ रही है, मान लो आपकी रेन अगर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है जिसका वर्टिकल से एंगल है क्या थीटा, वर्टिकल से एंगल अगर थीटा है तो क्या इस, मान लो इसकी वेलोसिटी यू है, क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा एक वर्टिकल होगा, होंगे कि नहीं, बेटा किसका माइक किसका ऑन है, सरकार वरकार हो रहा है, किसी का कोई टीवी देख रहा है, टीवी देखते टाइम क्लास ले रहा है कोई, अभी भी देखो माइक ऑन है किसी का, राकेश सर शायद चला गया वो कहीं सर, एक सेकेंड, ठीक है चले गए तो मजे करो फिर, क्लास में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार, मत पढ़ाई करो, ओके मैंने उसको रिमूव कर दिया मैंने उसको, मैंने कई बार आवाज मारी उसको लेकिन उसने रेस्पॉन्स ही नहीं किया। अब इधर देखो, जब हमारी अगर रेन किसी एंगल पे गिर रही है, आप किसी दिन देखोगे कि हवा के साथ जब बारिश आती है तो किसी दिन आपकी घर की जो फ्रंट दीवार है उसके सामने काफी सूखी जगह बच जाती है, लेकिन किसी दिन क्या होता है बारिश आपकी दीवार पे आगे गिरती है, होता है ऐसा, यस सर, तो सिमिलरली उस टाइम पे क्या होता है, जो रेन होती है वो किसी एंगल पे गिर रही है, अगर किसी एंगल पे गिर रही है तो क्या उस एंगल पे, मान लो अगर ये कोई एंगल पे गिर रहा है, कोई चीज गिर रही है तो क्या उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल, ये एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, अगर मान लो ये यू वेलोसिटी से रेन गिर रही है तो अगर ये वर्टिकल से अगर थीटा एंगल है इसका तो ये हॉरिजॉन्टल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यू साइन थीटा, और ये वर्टिकल क्या होगा यू कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इस यू को, अगर इस यू को वेक्टर फॉर्म में लिखूं
अगर मैं उसकी मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर मैं लिखूं वेक्टर फॉर्म में, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यू साइन थीटा आई कैप माइनस, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है तो वो पॉजिटिव रखा हमने। अब देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड है वर्टिकल वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है लेकिन ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस के यू कॉस थीटा जे कैप। कैसे लिखा मैंने ये समझ में आया सबको? ये मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आगे सर। हाँ यस सर। तो देखो यही आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है और देखो पर्सन आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसको तो सिंपली आई कैप इसके साथ लगा देंगे, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना तो वी आई कैप हो गया। अब आप जो फॉर्मूला पहले यूज कर रहे थे, जो फॉर्मूला पहले यूज कर रहे थे वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी आर एम इक्वल टू पी आर एम इक्वल टू वी आर जी माइनस के वी एम जी वी एम जी। अब देखो वी आर जी क्या है, आर जी क्या है u sin theta minus k u cos theta j cap, देखो u sin theta i cap minus k u cos theta j cap minus minus vmg कहां से है, vmg क्या है देखो आप जरा vmg sir velocity of man with respect to ground, velocity of man with respect to ground और देखो ये क्या है vi रखा। अब देखो i वाले जोड़ दो, इसको जोड़ दो इसको इसके साथ ऐड कर दिया हमने, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया u sin theta minus ये माइनस के v है ना माइनस v i cap minus u cos theta j cap, ये क्लियर है u cos theta j cap आया। अब हमें क्या करना है एंगल निकालना है, उसका एंगल निकालना है किसके साथ वर्टिकल के साथ, वर्टिकल का फॉर्मूला क्या बताया था tan theta equal to v r m x upon v r m y यही बताया था। यस सर। वी आर एम एक्स अपन वी आर एम वाई। अब देखो वी आर एम एक्स क्या है, एक्स मतलब आई का जो कोफिशियंट, आई का कोफिशियंट क्या है साइन यू साइन थीटा माइनस के वी, तो देखो यू साइन थीटा माइनस के वी माइनस यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा क्या है जे को जो जे कंपोनेंट जो है जे कंपोनेंट माइनस के यू कॉस थीटा। अब सिंपल आप इसको ये जब वैल्यू होंगी जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ वैल्यूज होंगी, यू वी वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व कर दिया गया है तो आपका एक तो ये याद कुछ नहीं करना है, एक बात याद रखना है याद फॉर्मूला कोई नहीं करना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है बस उसके अलावा कुछ नहीं। अगर मान लो कभी कभी कंसेप्ट वो पूछ लेता है कि आप ये बताओ इसका मैग्नीट्यूड कब, रिलेटिव वेलोसिटी पूछे, अगर इसमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे तो इसका क्या करेंगे मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। आई का जो कोफिशियंट है यू साइन थीटा माइनस के वी का होल स्क्वायर प्लस जो जे का कोफिशियंट है माइनस के यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहां से आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी। अब जब अम्ब्रेला की डायरेक्शन पूछता है तो जो थीटा आया है उसी के जस्ट अपोजिट हम अम्ब्रेला लगा देते हैं वर्टिकल से, क्लियर है? यस सर। क्लियर है सबको? जी सर। आगे आगे बढ़े फिर एक बार रिपीट कर दो। देखो हमने क्या किया था यहां से वी आर एम ये समझ में आ गया था, हमने रिलेटिव वेलोसिटी ये कैसे लिखा था, VRG कैसे लिखा था, यहां तक क्लियर हो गया था? जी सर। जब VRG कैसे लिखा ये हमें समझ में आ गया तो सिंपली हमने क्या किया एक फॉर्मूला अप्लाई किया है VRM इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी वाला VRG माइनस के VRM, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हमें रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो हमने सिंपल VRG की वैल्यू पुट किया यहां से ये वाली वैल्यू। सही है, VRG कहां से आया था? VRG बेटा हमारा जो रेन था, हमारा रेन किसी एंगल पे गिर रहा था यू, मान लो उसकी वेलोसिटी थी रेन की यू और वो रेन जो गिर रहा था वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, थीटा एंगल ये बना रहा है तो उस जो वर्टिकल वेलोसिटी जो गिर रही थी रेन जो जिस वेलोसिटी से गिर रहा था एंगल बना रहा था तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट होंगे कि नहीं सर? तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसको हम आई के साथ लिखते हैं और जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो जे के साथ रखा। अब देखो जो हॉरिजॉन्टल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए उसको पॉजिटिव का यू साइन थीटा लिया है आई कैप के साथ में। अब देखो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसलिए इसको माइनस के यू कॉस थीटा जे कैप में रखा है। समझ में आया कैसे आया यू आर जी? जी सर। अब जैसे ही ये आ गया हमारा तो हमने सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आई वाले को अलग किया और जे वाले को अलग किया और फिर उसके बाद में हमने टेन थीटा का ये वाला फॉर्मूला लगाया तो इससे हमें मिल गई डायरेक्शन।
अब क्लियर है? यस सर। हाँ आगे बढ़े सर, ये जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला सर ये किसके लिए सर? बेटा मैग्नीट्यूड मतलब जैसे आपको अभी ये क्वेश्चन करवाया था, ये वाला जो क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पर हमारा क्या आया था देखो, इस वाले फॉर्मेट में आया था आंसर। देखो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आई थी, वीआरएम की वेलोसिटी क्या आई थी, ये आई थी ना वेक्टर फॉर्म में, और इसने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है। देखो इसने मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है कि नहीं पूछा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है। तो जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा है तब ये वाला जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वो काम आएगा। अरे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप अगर एक एक्सपेरिमेंट, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन अंडर रूट, ऐसे ही ना निकालते थे? वही किया है हमने इसमें भी, हमने इस वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकाला है, आई का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर किया है, और प्लस जे का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर किया। सिंपल, ये फॉर्मूला कोई नहीं है, वेक्टर से ही चला आ रहा है ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला वेक्टर से ही चला आ रहा है, ये फॉर्मूला भी वेक्टर से ही चला आ रहा है। क्लियर है? यस सर। अभी आपके लिए आया एक सिंपल सा असाइनमेंट, आज डेट क्या है, 30 जनवरी सर, कल के लिए सर, कल के लिए, कल कल असाइनमेंट करके आना है ये वाला, और सिंपल असाइनमेंट, काफी इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। सर ले लिया, ले लिया सर। अब ले लो, अब आंसर भी है उसके साथ में, अब ले लो, ले लिया जी सर। अब देखो, अब आते हैं रिवर मेन प्रॉब्लम पर, रिवर मैन या रिवर बोट, अरे यहाँ पे बोट, रिवर मैन है ये, रिवर बोट या रिवर मैन प्रॉब्लम। अभी आपने देखा होगा ये रिवर किधर फॉलो फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, yes, रही है कि नहीं? yes, और ये वाली रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कर रही है ना? yes, sir। अब इसमें ये वाला आइटम देख रहे हो, ये कुछ कुछ नाव टाइप का, बोट टाइप का, अपने आप तैर के आ रहा है, इसको कोई भी नहीं फ्लो करा रहा, कोई भी फ्लो नहीं करा रहा, ये अपने आप आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, तू बताएगा क्यों आ रहा है? सर सर पानी की वेलोसिटी। हाँ, पानी की वेलोसिटी। अब आप मुझे ये बताओ, मैं अगर एक बंदे को बोलूं कि इस डायरेक्शन में तैरो, और एक बंदे से बोलूं इस डायरेक्शन में तैरो, ये मान लो है वन, ये है टू, कौन ज्यादा तेज तैर पाएगा? दोनों ताकत दोनों की सेम है, कौन ज्यादा तेज तैर पाएगा? इसका मतलब वन को इजी रहेगा तैरना और टू को थोड़ा सा टफ रहेगा, नहीं? क्यों रहेगा, क्यों रहेगा, क्यों रहेगा? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो क्या होगा, उन रेन वो रिवर की और मैन की रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे से माइनस कम हो जाएगी। जी सर, कम हो जाएगी वेलोसिटी, कम हो जाएगी। आप ये छोड़ो, रिलेटिव सब कुछ छोड़ो, फिलहाल ये समझो कि आपको जैसे ही आपको आपके सामने से पानी फ्लो होके आ रहा होगा, उसके अपोजिट जाओगे तो आपकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो साथ में मूव करा रहा होगा ना। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं, देखो अभी हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं इसकी, कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है। वीआरजी, वीआरजी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे भी हम किस में करेंगे, जी फ्रेम में काम करेंगे, हम सारे के सारे ग्राउंड फ्रेम में काम करेंगे, इसमें भी हम ग्राउंड फ्रेम में ही काम करेंगे। तो VRG का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली VMG का मतलब, MR का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर, या फिर इसको बोले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर सेम वेलोसिटी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये तीनों चीज का मतलब क्या है, VMR है, VMR है, और VMG का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अभी तक क्या था, यहाँ पर M का मतलब तो सेम है, मैन 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 है, और देखिए पहले R का मतलब था रेन, और रिवर बोट प्रॉब्लम में R का मतलब है रिवर। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब हमारे साथ दो कंडीशन आती है, एक आती है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, देखो अगर रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही है और मेन भी आपका इसी डायरेक्शन में है, दोनों अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो क्या अगर मैं
इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको वाई एक्सिस ले लूं, क्या अगर मैं रिवर की स्पीड को लूं, कि अगर मान लूं मैं वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या मैं इसको प्लस के यू आई कैप लिख सकता हूं? यस सर, लिख सकता हूं ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है इसीलिए। और इसको अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखूं, क्या मैं इसको वी आई कैप लिख सकता हूं? क्योंकि ये भी उसी डायरेक्शन जा रहा है, लिख सकता हूं ना। तो देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, जो रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ रिवर रेन, अभी अभी बता रहा हूँ, क्या क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर ये सर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है सर? नहीं नहीं, इनिशियल फाइनल नहीं है बेटा। अच्छा ये बताओ, रिवर की कभी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो सकती है? आपकी आपकी खुद की हो सकती है। रिवर आज से 10 साल पहले भी उसी वेलोसिटी से फ्लो हो रही थी और आज भी उसी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है, तो इनिशियल इनिशियल फाइनल जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। और देखो अब अभी हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो वेलोसिटी ऑफ मेन, कुछ भी ले लो यार, वेलोसिटी ऑफ मेन ले लो, चलो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर मुझे निकालनी है, वो सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। क्या बोल रहे हो आप सर? आपने सर उल्टा लिख दिया सर। अब हमें निकालना क्या है, हमें देखो मान लो हमारा वेलोसिटी ऑफ मेन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है। जनरली जनरली क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे देखो पत्ता है, अगर इसमें मान लो एक पत्ता मूव कर रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और रिवर की वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो हमें जनरली क्वेश्चंस में क्या दे रखा होता है कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दे रखा होता, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा होता है, क्योंकि वो मेन जो होता है ना रिवर में मूव करता है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर में जो मेन की वेलोसिटी दी होती है वो रिवर में दी हुई होती है, वेलोसिटी जो मेन की दी होती है वो रिवर में दे रखी होती है, तो हमें वेलोसिटी जो रिवर के रेस्पेक्ट में वो मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी होती है, तो मैं यहां से अगर मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लूं, मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा, इसको मैं इधर भेज दूं, अरे भेज दूं कि नहीं, वी एम आर प्लस के वी आर जी हो जाएगा? यस सर। होगा होगा? यस सर। आप सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, सब कुछ भूलो, आप ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये लिख सकता हूं? यस सर। लिखता हूं ना। अब मुझे चाहिए मान लो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मुझे जो गिविन होती है वो वेलोसिटी मेन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं गिविन होती है, रिवर के रेस्पेक्ट में जनरली गिविन होती है, तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए, तो क्या मैं इसको इधर भेजूंगा, तो क्या करूंगा, वी एम आर एम एम आर प्लस के वी आर जी हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको जनरली यूज में आएगा, ये जो फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले में आप पुट करो, आपका वी एम जी, सॉरी एम नहीं था, ये एम आर था, ये क्या था, एम आर था, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर था, ये वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर था। अब देखो आपकी अगर पत्ता है, कोई पत्ता है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, अगर इसको आप रिवर में से देख रहे हो, अगर आप इसको रिवर में तैरते हुए देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी 10 है, आप ग्राउंड से नहीं देख रहे हो, रिवर में तैर के देख रहे हो तो इसकी वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है, तो क्या इसकी वेलोसिटी रिवर के ही रेस्पेक्ट में तो है 10 मीटर पर सेकंड? यस सर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, रिवर के ही रेस्पेक्ट में, आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है बस इसी पॉइंट पे, अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई जे के फॉर्म में ऐसे कंसेप्ट समझेंगे हम सब उड़ जाएगा। अब देखो
अब हमें क्या किया, अभी हमारी मेन वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है वी आई कैप, यहाँ पे वी आई कैप रखा और इस जगह पे यू आई कैप, तो क्या आई आई वाले हैं दोनों आई के साथ, दोनों ऐड हो जाएंगे, यू प्लस वी प्लस यू आई कैप वी एम जी। तो इससे हम क्या समझेंगे, अगर डाउन स्ट्रीम कभी जा रही है कोई ऑब्जेक्ट डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड कर हो रहे हैं। तो अगर हमें टाइम निकालना है, तो मान लो ये डिस्टेंस डी है, यहां से ए से वी तक जाने में डिस्टेंस डी है, तो क्या एस टी डी वाला फॉर्मूला सिंपल अप्लाई कर दूं, एस टी इक्वल टू डी। टाइम निकालना है, डिस्टेंस क्या है, मान लो डी है, वेलोसिटी क्या है, यू प्लस वी, वी प्लस यू। तो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया, कहां से कैसे निकाला है? Yes, sir. क्लियर हुआ ये? डाउन स्ट्रीम सेम टू सेम है आपका अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में क्या है, सेम टू सेम अप स्ट्रीम में है आपका ये, तो जो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर तो आपका क्या हुआ, प्लस के वी आई कैप, और सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हुआ, माइनस के यू आई कैप। माइनस क्यों है तो सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, वी एम आर प्लस वी आर जी, तो ये जो वी एम आर है वो तो प्लस के वी है, वी आर जी क्या है, माइनस के यू है, तो माइनस के यू आई क्या। अब सेम टू सेम अब डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो डी अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन जो वेलोसिटी है उसका डिवाइड कर दिया, तो हमारा टाइम आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं इतना? यस सर। क्लियर है, तो अभी इसको, अभी क्रॉसिंग द रिवर को हम पढ़ेंगे कल से, कल है 31st of June, जी सर, ये कल स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा। ओके जी सर, हम एंड करते हैं यहाँ पे इस लेक्चर। गुड नाइट। यस सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट एवरीवन, वेरी गुड नाइट।